हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 20th अप्रैल। एक अपडेट डाल दिया था कि हमारा जो ब्लॉग है वो क्यों नहीं आया था, तो माहौल अभी थोड़ा वैसा ही है। बट ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ कि मैं नैमी को थोड़ा सा बिजी रखना चाहता हूँ, सो दैट वो उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकले जल्दी और एक्सेप्ट करे चीज़ों को और जल्दी आगे बढ़े। इसलिए तो इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ताकि वो इन्वॉल्व हो जाए थोड़ा बहुत। अभी बज रहा 11:30 और अभी मैं काम कर रहा था उसके जस्ट उठा हूँ और अभी मैक्स को नहलाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको नहलाना ज़रूरी है। मैक्स को नहलाने के बाद फिर खुद नहाता हूँ, फिर थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ और उसके बाद दिन की शुरुआत और बढ़िया से करता हूँ क्योंकि काम जो है वो तो चलता रहेगा। इसको देखो, ऐसे कौन सोता है बताना, कौन सोता है ऐसे, पूछ ऐसे नीचे रख के कौन सोता है भाई। बीच में हम लोग 3-4 दिनों के लिए आना जाना किए थे, इसको बहुत दिक्कत आ गई थी क्योंकि हम लोग सारे लोग चले गए थे, घर में अकेला था बब्बू भैया के साथ, तो ये बेचारा बहुत मिस कर रहा था। बट क्या कर सकते, एक दिन बोर्डिंग में रहा था और एक दिन घर में रहा था। सो मैंने ये जोइवान पेट्स का शैम्पू ऑर्डर किया था जो कि इच से बचाएगा मैक्स को। इसको जो इचिंग विचिंग होती है थोड़ी बहुत वो नहीं होगी और जो डस्ट की वजह से कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन भी हो जाता है क्योंकि डेली ये फील्ड में जाके मिट्टी में लोट लेता है, तो इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए तो ये इन्फेक्शन से भी बचाएगा, तो मैंने इसलिए किया है। एंड दिस इज एन ऑल नेचुरल शैम्पू, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। आओ मैक्स, चलो नहाएंगे, चलो चलो आओ, बच्चा जल्दी आ जा। इस शैम्पू को यूज करने का तरीका है कि थोड़ा सा पानी लो, उसमें शैम्पू डालो, इसको डाइल्यूट करो अच्छे से। जब एक बार ये डाइल्यूट हो जाए उसके बाद इसको किसी स्पॉन्ज से या किसी चीज से लगाओ उसके बॉडी में इवनली स्प्रेड करके, तब नहलाना है। तो ये डायरेक्शंस वगैरह जो है वो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। सो डायरेक्शन सेज कि 1:6 के रेशियो में डालना है, जितना आपको शैम्पू चाहिए उसके 6 गुना ज्यादा पानी डालो। इट मीन्स कि अगर आप 600 ml पानी डाल रहे हैं तो 100 ml शैम्पू डालना पड़ेगा, विच इज टू मच। तो 6 ml पानी पे 1 ml शैम्पू, इस हिसाब का 1:6 का रेशियो रहेगा। तो फिलहाल इसको डाइल्यूट करते हैं। मैं वैसे ही अंदाजे से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लो। ये शैम्पू मंगाने का एक और रीजन था कि जो केमिकल्स होते हैं ना शैम्पू के अंदर, उसकी वजह से इसको इचिंग बाद में बहुत ज्यादा होती है और ये लोग उसको चाट भी लेते हैं बाद में क्योंकि पूरी तरीके से शैम्पू जो है वो निकल नहीं पाता है। इसमें क्या है कि कुछ भी केमिकल नहीं है, ऑल नेचुरल है और इसको इन्फेक्शन से भी बचाएगा, विच इज गुड। अब देखते हैं इसकी जो इचिंग होती है ना, बीच बीच में सारा काम छोड़ के खुजली करने लगता है, अब वो नहीं करना चाहिए। आ जाओ मैक्स, न्यू शैम्पू, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। वन थिंग टू नोट, फ्रेग्रेंस इसका बहुत अच्छा है। अभी तक जितने भी शैम्पू मैंने यूज किए हैं सबसे अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। आज जैसा कॉलर हमने खोल दिया था तो ये जो है घूमने जाने के लिए आधे घंटे से जिद कर रहा है। मैं थोड़ा सो गया था, मुझे सोने भी नहीं दिया, उठा दिया, 10 जगह नाखून मार दिया। यहाँ पे देखो नाखून मारा है इसने, यहाँ पे नाखून मारा है, अंदर नाखून मार दिया है, बहुत ज़्यादा इसने ना एक टाइम अलग बांध लिया है। देख लो, देखो यहाँ आके बैठ गया है ताकि मैं कहीं जाना सकूँ, इसको लेके जाऊँगा। चलेगा चलेगा चलेगा, तू भी चलेगा और तू भी चलेगा। किस 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 किस, कभी कभी ऐसे मारता है ना कि लगता है चोट लग गया। चलेंगे 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 चलेंगे, हम लोग घूमने चलेंगे, हम लोग घूमने चलेंगे। चीटी अभी सोच रही होगी कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब हो गया था। लो पार्टी मनाओ तुम लोग, तुम्हारी पार्टी बाकी थी ना। इधर भी डाल देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हैं चीटियाँ काफ़ी सारी हैं। सो ये अपने नए वाले शैम्पू से नहाने के बाद काफ़ी सिल्की हो गया है, पहले वाले शैम्पू से इतना सिल्की नहीं होता था। इसको क्लिनिक प्लस से नहीं, एक बार मैंने इसको सनसिल्क से नहलाया था तब सिल्की हो गया था और अभी काफ़ी सिल्की हो गया है, विच इज़ गुड। ये देखो, ये देखो कोट काफ़ी सिल्की हो गया है, तो शैम्पू ने अच्छा काम किया, फ्रेग्रेंस अभी तक आ रहा है। अगर आपको यह शैम्पू खरीदना है तो इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड शैम्पू, फर्स्ट यूज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा और टाइम के साथ यूज़ करके मैं आगे भी और अपडेट करूँगा। तो ये शैम्पू अगर आपको यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक इनके वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। फिलहाल मैक्स को हम लोगों ने घुमा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं घर यार।
सामने वाले स्कूटी पे एक अंकल जी बैठे हैं, देखो कैसे बैठे हैं। उनको बिल्कुल भी लग रहा है भरोसा नहीं है चलाने वाले पे बिल्कुल भी वो ट्रस्ट नहीं कर रहे चलाने वाले पे। वो जैसे तैसे पकड़ के बैठे हैं कि भाई मुझे आज पहुंचा दो, 100-200 ज्यादा ले लो, लेकिन लैंड करा दो भाई आज। एक तो कॉलर से, ऊपर से कॉलर से पकड़े हैं और नीचे वाला जो ग्रैब रेल है वो पकड़े हैं। बिल्कुल इनको भरोसा नहीं है चलाने वाले पे कि भाई ये सही से लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। भाई साहब आज तो भीड़ लगी हुई है मार्केट में, खतरनाक। पहले नहीं लगती, पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी है इस मार्केट में। हाँ, लाल लाइट में तरबूज, जिस कलर की देखो, येलो कलर में येलो लाइट, जिस कलर की सब्जी या फ्रूट होगी उस कलर का वो लगा देंगे। चलो वेजिटेबल्स उधर है, आ जाओ। जिस कलर के वेजिटेबल्स उस कलर का लाइट देख लो, ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन लाइट। अगर अगर मतलब कि पीला वेजिटेबल है तो पता ही नहीं चलेगा, बंदा ले लेगा। इसके शेप पे मत जाओ, कैसे भी शेप रहता है। पर छोटे छोटे मिल गए वही बड़ी बात है, वरना वो बड़े बड़ों का तो मजा ही नहीं आता। देसी वाला है और वो प्रॉपर फार्मिंग वाला है। ज्यादा मत लेना, 250 ग्राम ओनली, क्योंकि हमारे सब्जी सारे, आधा से ज्यादा सब्जी हमारे ना वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। लिफ्ट में फंस गए, लाइट चली गई थी, अभी जस्ट आई है। एक बार और मैं फंस चुका हूँ, वो वाला व्लॉग नहीं आया था, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था। क्या हुआ, हालत खराब हो रही है मेरी तो धड़कन, मतलब ऐसा कुछ हुआ मुझे। चलो लाइट आ गई है, अब हम लोग पहुंच जाएंगे। ये ऑन तो हो जाए भाई, खुल गया। यूनिक लेके आया हूँ मार्केट से, पहला तो यूनिक इन द सेंस कि मैं लाता नहीं था, ये पम्पकिन है। मैक्स के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैक्स को पम्पकिन खिलाएंगे, इट इज गुड फॉर हिज हेल्थ। और दूसरा ये लेके आया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेल, तुम लोग में क्या बोलते हैं? तो बेल है, इसका जूस बनाएंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड टू क्लेंज लीवर, लीवर भी साफ होता है इससे। अरे पानी से सारा मुंह निकाल के डाल रही है। हाँ नहीं, टिपिकल इंडियन वाइफ नहीं, टिपिकल इंडियन बोल लो चलेगा, हम इंडियन ऐसा करते हैं भाई। रात के बज रहे हैं 10:30 और ये बंदा जो है ना खेलने के लिए परेशान है, तब से दिमाग खराब कर दिया। और 10:30 नहीं, एक्चुअल में 11:30 बज रहा है, मैंने गलती से 10:30 बोल दिया। और इसको, इसका खेलना ख़त्म नहीं हो रहा, कितना खेलेगा बोल। ये पता नहीं कहाँ से टॉय ढूंढ के निकाला, पूरे दिन से इसने परेशान कर रखा है खेलने के लिए इसके साथ। मैं इसके साथ खेलता हूँ टग ऑफ वॉर और उसके बाद फिर सो जाएंगे, 11:30 बज गया, जल्दी उठना, कल जिम भी जाना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।